फ्रंट जाली है वो किसका बिल्कुल चेंज हो चुका है, हैंडल मिरर्स, एफजेड को देगा एक हार्ली लुक। टेंट हम करने वाले हैं फुल बॉडी क्रश गार्ड इंस्टॉलेशन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों आप देख रहे होंगे एफजेड एक्स यामा की और फुल न्यू कंडीशन में। अभी तो जो इसका पैकिंग है वो खुला भी नहीं है बराबर, और डायरेक्ट शोरूम से हमारी SH Auto बाइक पार्ट्स गैलरी में आई हुई है। और भैया ने पिछला वीडियो जो हमारा था FZX का मॉडिफिकेशन का, तो वो देख के भाई हमारे व्यूअर्स है और मॉडिफिकेशन के लिए लाए हुए हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों अगर आप भी करवाना चाहते हैं ऐसी मॉडिफिकेशन तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं और नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारी SH Auto में आ सकते हैं आप अगर सूरत से हो। तो दोस्तों इसमें करने वाला है एक यूनिक सी मॉडिफिकेशन जो कि आपको लास्ट में मालूम पड़ने वाला है। और इसमें हम करने वाले हैं जो आप देख सकते हैं हेड जो फ्रंट जाली है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है और फ्रंट लुक इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है। और देन हम करने वाले हैं मिरर्स, हैंडल मिरर्स जो कि FZ को देगा एक हार्ली लुक। ये लेफ्ट साइड का ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और अब राइट का बाकी है। देन हम करने वाले हैं फुल बॉडी क्रश गार्ड इंस्टॉलेशन। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक एक जो एसेसरीज हम इसमें मॉडिफिकेशन करने वाले हैं बेस्ट एसेसरीज है। अगर आप FZ लेना चाहते हैं FZX तो आप ये मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं। और अगर आप इसमें से एज पर योर चॉइस अगर कोई भी एसेसरी आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो आप वो एसेसरीज इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो वीडियो का विस्तार करते हैं और करने वाले हैं सारी एसेसरीज लास्ट में। जब कंप्लीट हो जाएगी मॉडिफिकेशन तो मैं आपको लास्ट में एक लुक दिखाऊंगा कि कैसा लुक FZX का आने वाला। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मोटिवेशन वीडियोस कैसी लगी। तो वीडियो का विस्तार करें। तो दोस्तों अभी फिटिंग हो रहा है हमारा सेफ्टी क्रश गार्ड जो कि फिटिंग आप देख सकते हैं एकदम एक्यूरेट फिटिंग है, बहुत ही जेन्युइन फिटिंग है। मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है दोस्तों कि जो FZX का जो क्रश गार्ड भाई लोग इंस्टॉल करवाते हैं, फिटिंग करवाते हैं, काफ़ी आउटसाइड बाहर की साइड रहता है, तो जो फ्रंट साइड का जो लुक है बाइक का वो कुछ अलग ही दिखता है। तो आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग एकदम एक्यूरेट फिटिंग है फुल बॉडी के। आप देख सकते हैं फुल बॉडी के टचिंग के ऊपर थोड़ी सी केप के हिसाब से एकदम एक्यूरेट फिटिंग है बाइक के ऊपर। और कोई भी तरीके का एक अलग लुक नहीं दिख रहा है, बाहर की साइड नहीं निकल रहा है, एकदम फिट एक्यूरेट लुक है। और साइड आप देख सकते हैं कोई भी एक अलग से एक लगता नहीं कि एक अलग सी इंस्टॉलेशन आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन कराई हुई है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कंपनी के साथ आया हुआ ये क्रश गार्ड है। तो दोस्तों जब भी कोई भी स्कूल बाइक आप परचेस करते हो तो आप सेफ्टी क्रश गार्ड जरूर इंस्टॉल करवाएं अपनी बाइक में। अगर आप यमा R15 लेते हो या MT15 लेते हो, BMW लेते हो, बैनली लेते हो, कोई भी बाइक आप अगर लेते हो तो आप उसमें ये जो क्रश गार्ड है ज़रूर इंस्टॉल करवाएं ताकि इनकेस आप बाइक नीचे गिरे कोई रीज़न से तो बाइक डैमेज होने से जो साइड पैनल्स है वो डैमेज होने से बच जाए और भारी नुकसान ना हो। क्योंकि भाई बॉडी मिल नहीं पाती है यामा की इतनी आसानी से। हमारे पास एक MT15 पड़ी हुई है, उसका 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, बट उसकी जो साइड पैनल है वो अभी तक आई नहीं है। हमने कब से ऑर्डर करी है वो पैनल। तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तो आप अपनी बाइक में क्रश गार्ड जरूर इंस्टॉल करवाएं। और इससे दो बेनिफिट है दोस्तों, अगर आप बाइक नीचे गिरती है ये बॉडी डैमेज होने से बचाती है, और दूसरा है कि अपने लेग्स के ऊपर भी कोई तरह का डैमेज आने नहीं देती और एक्सीडेंट हुआ तो अपने लेग्स सेफ हो जाते हैं, इससे कुछ खतरा नहीं रहता है लगने का पैर के ऊपर।
तो इसके बेनिफिट्स ये हैं और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं दोस्तों। और साइड हैंडल मिरर्स जो कि हार्ड स्टाइल में फिटिंग किया हुआ है, ये मिरर्स निकलने वाले हैं इसमें से। और दोनों साइड ये मिरर्स, हैंडल बार मिरर फिटिंग होने वाले हैं। और पीछे लगाने वाले दोस्तों ढोलकी बैग, जो कि ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ढोलकी बैग, कुछ इस तरीके से हम उसको यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। जब मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो एक फुल वीडियो बनेगा कि लुक कैसी ये दिखती है फ्रंट साइड से और बैक साइड से। तो वीडियो को एंड तक देखना। और एक एक एसेसरीज जो इंस्टॉल हुई है बहुत ही बेस्ट, एकदम जेन्युइन एसेसरीज है, मज़ा आने वाला है भाई इस वीडियो में आपको। सो फिटिंग कर रहे हैं हमारे जुबेर भाई, हमारे टेक्नीशियन हैं। जब भी आपने बोर्ड से वीडियोस में भाई को देखा होगा हमारे यहाँ, और मॉडिफिकेशन का जो काम है वो भाई करते हैं हमारे यहाँ। और भाई एक वीडियो से बहुत ही पॉपुलर हुए जो कि हमारी हिस्सा रील है, उसके ऊपर 35 मिलियन व्यू आए थे। तो भाई बहुत फेमस हो गया जुबेर भाई हमारे। बाहर से भी भाई को फ़ोन आने लगे हैं अभी तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वो रील देख सकते हैं भाई, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे फिटिंग करते हुए सीट, बेबी सीट। सो आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और भाई मॉडिफिकेशन एकदम परफेक्ट है, जो काम सारे हमारे टेक्नीशियन मना करते थे भाई उसको बहुत ही आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। और कस्टमर का भी भाई ने भाई दिल जीत लेते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि बहुत ही शांत किस्म के आदमी हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कस्टमर के जब भी बात से और दिल जीतने में। तो FZX आपके सामने और चल रही है मॉडिफिकेशन, इसमें इंस्टॉलेशन करी है क्रश का जो हमारी ग्रिल्स है, जो FZX में आपने बहुत से वीडियोस में देखी होगी, और हार्डी मिरर्स और बहुत सारी एसेसरीज है दोस्तों। तो एंड में फुल जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक नज़ारा वो भी देखना मिलेगा आपको लास्ट में कि कैसी लगती है, फिर आप नीचे कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। सो इसकी जो शॉर्ट रील है वो भी हमारे इंस्टाग्राम पे आपको देखने मिल जाएगी, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो लिंक है इंस्टाग्राम की वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, तो आप जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मिलने वाले आपको सभी शॉर्ट रील मॉडिफिकेशन के, चाहे आपके पास एक्टिवा हो या चाहे आपके पास BMW है, तो सभी जो बाइक्स मॉडिफिकेशन के आपको एसेसरीज या मॉडिफिकेशन आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो आप जाके चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और आप मॉडिफिकेशन के मज़े ले सकते हैं आप अगर बाइक के शौकीन हो, राइड के शौकीन हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है मॉडिफिकेशन, क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने ऐसे इंस्टॉलेशन करी है वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट साइड से। तो दोस्तों सबसे पहले फ्रंट साइड का लुक आप देख सकते हैं, जाली लगाई हुई है जिससे फ्रंट लुक एकदम डिफरेंट हो जाता है, एक अलग सा लुक हो जाता है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं चार्जर होटल इंस्टॉलेशन किया हुआ है, और अगर इसमें चाहते हैं आप चार्जिंग वाला तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। और हैंडल बार मिरर आप देख सकते हैं राउंड, जो इसका हेड है उसके मैचिंग में हमने हैंडल बार मिरर इंस्टॉलेशन किया है राउंड शेप में। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्डी लुक हो गया है FZX का। और दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं साइड में क्रश गार्ड, सेफ्टी क्रश गार्ड, जो कि FZX की बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेसरीज है। आप जब भी FZX लेते हैं तो ये एसेसरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेसरीज है, इसको आप अपनी बाइक में ज़रूर इंस्टॉल करवाएं। इससे अगर आपकी बाइक इन केस नीचे गिरती है तो ये जो
क्रच गार्ड है, फुल बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, करता है, और आप देख सकते हैं। और इससे अगर आप एक लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो आप इसके ऊपर आराम से अपने पैर रख सकते हैं, तो एक आराम मिल जाता है लॉन्ग राइड के लिए अपने लेग्स पे। तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं बैग इंस्टॉल करवाई है, और आप इसमें छोटा मोटा पानी की बोतल हुई और आप कोई भी पेपर हुआ छोटा तो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फुल मोडिफिकेशन, और साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं टैंक पैड जो कि ब्लैक मैट के मैचिंग में लगाए हुए टैंक पैड। सो ये थी फुल मोडिफिकेशन हमारी FZX थी। तो आप भी करवाना चाहते हैं ऐसी मोडिफिकेशन तो आप हमारी SH ऑटो में आके आप ये मोडिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी कोई बाइक है, KTM हुई, RC हुई, या आपके पास यमा R15 हुई, MT15 हुई, आपके पास अपाची हुई, या आपके पास कोई भी बाइक है तो आप हमारी SH ऑटो में आ सकते हैं। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक लोकेशन के लिए मोटी टॉकीज पे आप आइए, अगर आप सूरत में हो तो सामने आपको साईं बाबा का मंदिर मिलने वाला है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारी SH ऑटो पार्ट शॉप है। तो आप यहाँ पे आके आप अपनी बाइक मॉडिफाइड करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप यही पे एंड करते हैं, लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।